आज मेरे 9:30 के लंच खाने के लिए तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैगन टमाटर एंड भाई की सब्जी राइस एंड दाल। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। तो मैंने पहले बड़ी को फ्राई करके निकाल लिया, देन मैंने तेल में अदरक जीरा हरी मिर्च को डाल के थोड़ा सा फ्राई किया, देन मैंने उसमें बैगन और आलू को ऐड कर दिया। फिर मैंने नमक हल्दी लाल मिर्च पाउडर एंड कुछ सूखे मसाले डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें हाफ कटा हुआ टमाटर डाल दिया एंड थोड़ा सा पानी भी मैंने उसमें ऐड किया क्योंकि हमारा सब्जी लग रहा था नीचे की वजह से। फिर मैंने उसमें फ्राई किया हुआ बड़ी को ऐड कर दिया और 2 से 3 मिनट तक मैं सब्जी को चलाते रही। जब सब्जी से पानी सूख गया और मसाला सब्जी के साथ अच्छे से मिल गया तो मैंने अगेन उसमें पानी डाला क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए था सब्जी में, इसलिए जब सब्जी में उबाल आ गया तो सब्जी हमारा रेडी था। फिर इधर हमारा राइस भी लगभग रेडी हो ही गया था। देन मैंने दालमा चढ़ा दिया। दालमा के लिए मैंने अरहर का दाल लिया है एंड सब्जी में तोरी आलू गाजर एंड हाफ टमाटर उसका नमक और हल्दी के साथ मैंने बॉईल कर लिया। देन जब बॉईल हो गया हमारा दाल तो मैंने कुकर लगाने के लिए मैंने पैन में तेल लिया, देन उसमें जीरा डाला, देन हाफ कटा हुआ प्याज डाला और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने उसमें सांभर मसाला डाल दिया। उसके बाद बॉईल किया हुआ टमाटर निकाल के मैंने उसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिला लिया। उसके बाद मैंने बॉईल किया हुआ दाल और सब्जी को उसमें ऐड करके उसको भी उबाल आने तक मैंने छोड़ दिया गैस में। जब उबाल आ गया तो लंच हमारा